Good evening, Shreya. Ankita Himashri. Good evening, everyone. Good evening, Vishnu. Good evening, Shaheem. आज हम लोग कंपटीशन करेंगे. छोटा सा चैप्टर है लेकिन मजेदार है. अगेन पूछते नहीं आप क्या. सच्ची बोले मुझे इन्वायरमेंटल साइंस में इकोलॉजी में पेपर में मजा ही नहीं आता है. कुछ नहीं पूछते लोग, बहुत घटिया घटिया सा पूछते हैं. अब अभी मैं देख रहा था लास्ट वाला एग्जाम में एक क्वेश्चन, लास्ट वाला या लास्ट टू लास्ट में न्यूमेरिकल में एक क्वेश्चन, वो डबल वाला नहीं, डबलिंग जो क्वेश्चन आपको आर इज इक्वल टू 0.693 अपॉन टी वाला जो फार्मूला लिखा है उस पर बेस क्वेश्चन केवल आया. कुछ पूछती नहीं है, कुछ अच्छा वाला पूछा करें, मजा आए पढ़ाने में, मजा आए बच्चों को पढ़ने में, मजा आए. अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ना, वो मतलब चूंकि यही मैं सीएसआईआर में पढ़ाता हूँ और वही मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ. और आपके यहाँ आता नहीं है लेकिन फिर भी जानना चाहिए ना, मतलब आप टीचर बनो तो आपको पता तो हो कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करे जाते हैं. तो और भी मॉडल्स हम लोग लोटकम वोल्टेरा को स्टिक कर रहे हैं, वो हमारे लिए रेलिवेंट है. ठीक है, आपके सिलेबस में ऑफिशियली तो मैंशनड है ही. ठीक है, आज कम लोग हैं, मे बी शादी वादी अटेंड करने में बिजी हैं. आज काफी बड़ी सहालग है, बता रहे हैं काफी शादियां हैं आज. ठीक है, पहले कंपटीशन को थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं. कंपटीशन होता क्या है, है ना. जब एक कोई रिसोर्स हो उसको यूटिलाइज करने के लिए दो लोग, है ना, दो लोग कम्पीट कर रहे हैं, दो लोग चाहते हैं उसको यूटिलाइज करना, तो ऑब्वियसली अगर एक यूज करेगा दूसरे को नहीं मिलेगा. ठीक है, तो कॉम्पिटिशन इज एनी यूज और डिफेंस ऑफ अ रिसोर्स by one individual that reduces the availability of that resource to the other individual. अगर एक individual को वो resource मिल गया तो दूसरे को नहीं मिल पाता है. ठीक है, तब हम उसको बोलते हैं competition when two people are competing for the same resource. So if one gets it, दूसरे को नहीं मिलने वाला. If the competition occurs between members of the same species, तो हम इसको क्या बोलते हैं, intra-specific. और जब members of different species हो तो उसको क्या, हाँ, तो बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक. ठीक है, अगेन एक एग्जांपल यहाँ पे दिया एंटार्क्टिक क्रिल के ऊपर, पढ़ लेना, कुछ है नहीं, मतलब की चीज आगे आएगी अभी. निकल्सन ने एक और क्लासिफिकेशन दिया जिसमें हम लोग कॉम्पिटिशन को दो अलग नाम से आइडेंटिफाई कर रहे थे. एक को बोलते हैं स्क्रैम्बल कॉम्पिटिशन. स्क्रैम्बल में क्या होता है, व्हेन द कम्पीटिंग इंडिविजुअल शेयर द रिसोर्सेज, यानी कई लोग मिलके, है ना, रिसोर्स को अगर आपस में बांट लें तो उसको स्क्रैम्बल बोलते हैं. कॉन्टेस्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, वेन ओनली वन ऑफ द कम्पीटिंग इंडिविजुअल टेक्स अवे ऑल द रिसोर्सेज और बाकी को कुछ भी ना मिले तो उसको बोलेंगे कॉन्टेस्ट कॉम्पिटिशन, और सब लोग को थोड़ा थोड़ा शेयर मिल जाए तो उसको बोलेंगे स्क्रैम्बल कॉम्पिटिशन. ठीक है, फिर और क्लासिफिकेशन, बहुत सारे तरीके क्लासिफिकेशन है. एक यहाँ पे एग्जाम्पल है इंटरफियरेंस कॉम्पिटिशन का. इस केस में क्या होता है, इस स्टडीज में उन्होंने क्या पाया था कि डेफनिया और रोटीफर्स की अगर हम लोग बात करें तो डेफनिया क्या करता है, ये एक तरह की करंट्स प्रोड्यूस करता है बाय बीटिंग इट्स अपेंडिसेस, और उस बीटिंग से जो करंट क्रिएट हो रहा उस करंट में रोटीफर्स फंस जाते हैं कभी कभार. तो डेफनिया इज प्रोड्यूसिंग दैट करंट टू फीड ऑन सम अदर थिंग, बट बाय चांस समटाइम्स रोटीफर्स आर सक्ड इनटू इट, ओके, एंड उनकी डेथ तक हो जाती है, वो उसको खा लेता है. तो ये इस टाइप की जो कंपटीशन है, इंटरफेरेंस, मतलब हो क्या रहा है कि डेफना इज प्रोड्यूसिंग इंटरफेरेंस इन द पाथ ऑफ द रोटीफर्स एंड समटाइम्स इट एंड्स अप इन ईटिंग देम, सो वी विल कॉल इट इंसिडेंटल कार्निवोर. ये अलग अलग शब्द हैं, मतलब शब्दों को जान लीजिए किस टाइप के शब्द कब यूज करेंगे. इसी तरीके से रिसोर्स कॉम्पिटिशन और एक्सप्लॉइटेटिव कॉम्पिटिशन क्या होता है, व्हेन यूज ऑफ रिसोर्स बाय द इंडिविजुअल ऑफ वन स्पीशीज रिड्यूसेस द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स फॉर द अदर स्पीशीज. Now there may not be any direct interactions. जैसे सेम स्पीशीज के इंडिविजुअल्स की रिसोर्स रिक्वायरमेंट सेम होती है, और इसीलिए कॉम्पिटिशन इज ऑलवेज इंटेंस बिटवीन मेंबर्स ऑफ द सेम स्पीशीज बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, तो अगर अलग अलग रिक्वायरमेंट के लोगों के बीच में कॉम्पिटिशन हो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं हो रहा, बट ये है कि एक की वजह से दूसरे के लिए उसके रिसोर्स को यूटिलाइज करना मुश्किल हो जा रहा है, तो उसके इसमें इस टाइप के कॉम्पिटिशन को हम लोग बोले. तो व्हेन द यूज ऑफ रिसोर्स बाय द
individual of one species availability of resource for other species, that there may not be any direct interaction between them. This type of competition is called exploitative competition. तो ये अलग अलग तरह के competitions के नाम identify करें, फिर एक और classification है, preemptive consumption है ना, ये पढ़ लेना अपने आप, ना समझ में आए तो पूछ लेना, इसे आ जाएगा, सिर्फ इंग्लिश के शब्द हैं और कुछ नहीं है, overgrowth, ठीक है, territorial competition, नाम से आप correlate कर सकते हो. हम लोग यहाँ पे बेसिकली जा रहे हैं स्ट्रेट वे लोटका वोल्टेरा मॉडल के ऊपर, ठीक है. यहाँ पे एक स्टडी है बैलेनस और कैथेमेलस की, ये स्टडी भी मैं अभी नहीं बताऊंगा, इसको आप लोग अपने आप पढ़ोगे, लेकिन अभी नहीं पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे जब मैं आपको निच वाला चैप्टर पढ़ाऊँ, अभी मैंने आपको हैबिटेट निच नहीं पढ़ाया है, ठीक है. तो पहले हम लोग कॉम्पिटिशन कर लेंगे, फिर हम लोग निच का चैप्टर करेंगे, वहाँ पे इसके ऊपर क्वेश्चन भी हैं, तो वो हम लोग इसको बाद में करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल निच और उसकी डिफरेंस अभी आपको समझना है, आपको आता है लेकिन मुझे समझाना बाकी, तो मैं अपने हिसाब से ही कराऊंगा, ठीक है. तो हम लोग, मैंने बोला स्ट्रेट वे लोटका वोल्टेरा मॉडल पर जा रहे हैं, ठीक है. अब देखिए लोटका वोल्टेरा मॉडल में हम लोग क्या कर रहे हैं, लोटका ने क्या किया, वायरलेस पर लॉजिस्टिक इक्वेशन को मॉडिफाई किया. अगर आपको याद हो, मतलब आप लॉजिकली सोचें, वायरलेस पर लॉजिस्टिक इक्वेशन कहाँ पर हम लोग यूज कर रहे थे, रिसोर्स लिमिटेड कंडीशन में ओवरलैपिंग ब्रीडिंग पॉपुलेशन के लिए. तो आप समझ सकते हैं कि ये कर्व, जब आप इसको याद है लॉजिस्टिक कर्व आप डिजाइन कर रहे थे, तो आप देख रहे थे इस पॉइंट पे जाके जब कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच रहा था तो रेट ऑफ ग्रोथ जीरो हो गया था, डी अपॉन डीटी जीरो हो गया था, बस समझ में. और यहाँ पे कम था, यहाँ तेजी से, यहाँ पे इस वाले में आपने क्या देखा था, एज द पॉपुलेशन साइज वॉज इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन नंबर इंक्रीज कर रहा था, यहाँ पे नंबर था, यहाँ टाइम था, ठीक है. एज द पॉपुलेशन साइज वॉज इंक्रीजिंग, तो हो क्या रहा था, कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो रहा था, कॉम्पिटिशन वॉज इंटेंसिफाइंग, और ये किसके बीच में था, अमंगस्ट द मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन. तो आप समझ सकते हैं इस इक्वेशन में इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन ऑलरेडी इंक्लूडेड है. अच्छा, दिस इक्वेशन ऑलरेडी इंक्लूड्स व्हाट वी कॉल इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन. सो व्हाट लोटका हैज टू डू, ही हैज टू मॉडिफाई दिस इक्वेशन सच अ वे दैट इट ऑल्सो इनकॉर्पोरेट्स इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन, दैट इज कॉम्पिटिशन बिटवीन टू स्पीशीज, स्पीशीज वन एंड स्पीशीज टू. सो ऑब्वियसली कॉन्सिक्वेंट चेंजेस और मॉडिफिकेशन हैव टू बी मेड. तो इसमें ऑलरेडी हम लोगों ने इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन शामिल कर रखा है और हम लोग अब इसको चेंज करेंगे. तो पहले क्या करते हैं, दोनों स्पीशीज के लिए हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं. तो स्पीशीज वन के लिए डीएन वन अपॉन डी टी आर वन एन वन के वन, और स्पीशीज टू के लिए रिस्पेक्टिव इक्वेशन लिख लिए, ठीक है. अब होगा क्या, अभी जैसे मैंने बोला आपसे बात करते, मैं बोल रहा था कि जो कॉम्पिटिशन है वो सेम स्पीशीज के मेंबर्स के अमंग्स ज्यादा इंटेंस होता है, क्योंकि उनकी रिसोर्स रिक्वायरमेंट, निच रिक्वायरमेंट ऑलमोस्ट सिमिलर होती है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होती है. सो उनके बीच में बहुत इंटेंस कॉम्पिटिशन होता है, और मेंबर्स ऑफ अदर स्पीशीज के साथ कॉम्पिटिशन कम इंटेंस होगा, क्योंकि रिसोर्स रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो जाती है. तो एक तरह समझ सकते हैं, अगर हम इस तरह से बोले कि स्पीशीज वन के ऊपर, स्पीशीज वन के एक इंडिविजुअल का जितना कॉम्पिटिटिव इफेक्ट है, उतना इफेक्ट स्पीशीज टू के 10 इंडिविजुअल का है. मेरी बात समझ में आ रही है, स्पीशीज वन की बात कर रहे हैं. तो स्पीशीज वन पे स्पीशीज वन के एक इंडिविजुअल का जितना कॉम्पिटिटिव इफेक्ट है, सेम स्पीशीज के लोगों का कॉम्पिटिटिव इफेक्ट ज्यादा होता है, उतना कॉम्पिटिटिव इफेक्ट स्पीशीज टू के 10 इंडिविजुअल का है. ये सेंटेंस सबको समझ में आया, ये सेंटेंस सबको समझ में आया, ठीक है. क्योंकि स्पीशीज टू का कॉम्पिटेटिव इफेक्ट कम, तो स्पीशीज टू के 10 इंडिविजुअल जितना कॉम्पिटेटिव इफेक्ट डालेंगे, उतना स्पीशीज वन पे स्पीशीज वन का एक इंडिविजुअल डालेगा, ठीक है. ये अंडरलाइंग अजम्पशन है. टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ स्पीशीज टू ऑन स्पीशीज वन, वी कैन मल्टीप्लाई एन टू विद अल्फा, और अल्फा क्या, इट इज अ कॉम्पिटिशन कोएफिशिएंट. तो इस केस में एन वन क्या हो गया, एन वन इज इक्वल टू अल्फा एन टू, अल्फा टाइम एन टू इज इक्वल टू एन वन, ठीक. एन वन का इफेक्ट विल बी इक्वल टू अल्फा टाइम एन टू. तो अगर हम लोग अल्फा के टर्म्स में लिखें तो अल्फा इज इक्वल टू एन वन अपॉन एन टू. ये कब हो रहा है, जब हम स्पीशीज टू का वन पे इफेक्ट हम ढूंढने की कोशिश करें, ठीक है. स्पीशीज टू वन पे कितना इफेक्ट डाल रही है, और वैसे वर्षा कर दें कि स्पीशीज वन का इफेक्ट स्पीशीज टू पे क्या होगा, तो हम उल्टा करेंगे. तो अगर इसी इक्वेशन को हम लोग देखें, तो अगर हम लोग अल्फा को कॉम्पिटिटिव इफेक्ट ऑफ स्पीशीज वन ऑन टू कह रहे हैं, तो उसका रिवर्स को हम लोग बीटा कर रहे हैं, ठीक है. वन का टू पे इफेक्ट कितना है, टू पे वन का इफेक्ट कितना है, तो
तो उसके लिए हमने अल्फा एंड बीटा दो कॉम्पिटिशन को इफिशियंट यूज कर लिए, हमने क्या लोड का नहीं यूज कर लिए, जिसकी मदद से आप इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन को वहां पे इंट्रोड्यूस कर दे रहे हो, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ स्पीशीज टू ऑन स्पीशीज वन इज व्हाट वी कॉल कॉम्पिटिटिव इफेक्ट, उसको हम लोग अल्फा से डिनोट कर रहे हैं, और इफेक्ट ऑफ स्पीशीज वन ऑन स्पीशीज टू को हम लोग बीटा से डिनोट कर रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये चेंजेस इंट्रोड्यूस कर देते हैं उस इक्वेशन में, ठीक है। तो उस केस में इक्वेशन क्या होगा, अगर स्पीशीज वन की बात करें, स्पीशीज वन पे स्पीशीज टू के कॉम्पिटिटिव इफेक्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया, तो डी एन वन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर वन एन वन के वन, यहाँ पे एन वन की जगह हमने क्या कर दिया, एन वन प्लस अल्फा एन टू इंट्रोड्यूस कर दिया, इफेक्ट ऑफ स्पीशीज टू ऑन स्पीशीज वन, तो अल्फा इंट्रोड्यूस बाकी नीचे के वन थी। अगर हम लोग ब्रैकेट को ओपन अप कर देंगे तो आपका इक्वेशन ये बन के आ गया, डी एन वन बटे आर वन एन वन के वन माइनस के वन है ना, ये आपका इक्वेशन हो गया। इसी तरह से स्पीशीज टू के लिए भी इक्वेशन निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस क्या हो गए, लोटका वोल्टेरा कॉम्पिटिशन इक्वेशंस। इतना क्लियर है, इसमें अभी कुछ भी खास नहीं है, बस हम लोगों ने स्पीशीज वन पे टू के इफेक्ट के लिए कॉन्सिक्वेंट फैक्टर इंट्रोड्यूस कर दिया, और सिमिलरली स्पीशीज टू पे वन के इफेक्ट के लिए बीटा कॉम्पिटिशन कोएफिशिएंट इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अब खेल शुरू होता है। आइसोक्लाइन जैसे अभी हम लोगों ने वहां पे देखा था ना प्रीप्रेडेटर, उसी तरीके से आइसोक्लाइन की बात करें। अब आइसोक्लाइन के केस में अगर मान लो स्पीशीज वन के आइसोक्लाइन की बात करें, ठीक है, तो स्पीशीज वन के आइसोक्लाइन में डेंसिटी ऑफ स्पीशीज वन एट विच द इनिबिटरी इफेक्ट ऑफ स्पीशीज टू इज सच दैट द आर वैल्यू ऑफ स्पीशीज टू विल बिकम जीरो, ठीक है। अब जैसे इस वाले केस में अगर हम लोग इस वाले आइसोक्लाइन की बात करें, स्पीशीज वन के लिए आइसोक्लाइन की बात करें, तो आइसोक्लाइन पे स्पीशीज वन का ग्रोथ रेट क्या है, जीरो है, ठीक है। तो ये मान लिया हमने डॉटेड लाइन से आइसोक्लाइन शो करिए, तो इस लाइन पे स्पीशीज वन का ग्रोथ रेट जीरो, यानी डीएन वन पॉइंट डी टी जीरो है। यहां तक सब लोग एग्री कर रहे हैं, अच्छा बढ़िया से ये डायग्राम समझना, कि इसी से सब समझ में आएगा। इस लाइन पे डीएन वन पॉइंट डी टी जीरो है, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, ये लाइन क्या शो कर रही है, स्पीशीज टू का इफेक्ट स्पीशीज वन पे शो कर रही है। सपोज अगर हम स्पीशीज टू हटा दें, यानी स्पीशीज टू का कोई कॉम्पिटेटिव इफेक्ट नहीं है, ठीक है, अगर हम एन टू की वैल्यू जीरो कर दें, तो एन वन के वन पे पहुंच जाएगा, हाँ या नाम बताते जाना, यस या नो में। अगर एन टू को जीरो कर दें तो एन टू का कोई कॉम्पिटेटिव इफेक्ट नहीं होगा, तो एन वन अपनी कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच जाएगा, और एन वन की कैरिंग कैपेसिटी पे उसका ग्रोथ रेट क्या होता है, जीरो होता है, लेस देन जीरो होता है, ग्रेटर देन जीरो होता है कैरिंग कैपेसिटी पे, जीरो होता है। अभी तो डायग्राम बना के दिखाया था, है ना, कैरिंग कैपेसिटी पे जीरो होता है, ठीक है। तो इस जगह पे भी जीरो होगा, और जैसे जैसे एन टू की संख्या बढ़ेगी तो कैरिंग कैपेसिटी कम होती चली जाएगी बिकॉज ऑफ कॉम्पिटेटिव इफेक्ट ऑफ स्पीशीज टू, ठीक है। तो इस पूरी लाइन पे आपका ग्रोथ रेट जीरो, और अगर हम लोग मान के चलेंगे एन वन जीरो हो जाए तो एन टू पहुंच जाएगी के वन अपॉन अल्फा पे। अब के वन अपॉन अल्फा कैसे आया वो मैं आगे बताऊंगा, बाकी इतना आपको समझ में आ गया कि अगर एन टू को जीरो कर दें तो एन वन के वन पे पहुंच जाएगा, के वन पे ग्रोथ रेट जीरो है, जैसे जैसे एन टू की संख्या बढ़ाओगे कैरिंग कैपेसिटी की वैल्यू कम होती चली जाएगी, और ये लाइन डायगोनल है ना, इस टाइप की लाइन टच कर रही है, जो यहाँ पे टच कर रही है वाई एक्सिस पे, इस पूरी लाइन पे डी एन वन अपॉन डी टी की वैल्यू जीरो है, ठीक है। अब देखो ये क्या है, स्पीशीज टू की वो डेंसिटी जिसपे स्पीशीज वन का ग्रोथ रेट जीरो, हम लोग ये बता रहे हैं। अगर हम स्पीशीज टू की, अगर स्पीशीज टू की संख्या कम या ज्यादा करें तो उसका इंपैक्ट क्या होगा, ठीक है। अब सोचिए इस पॉइंट से अगर हम नीचे आ जाए, स्पीशीज टू की संख्या इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपने ग्रोथ रेट जीरो बोला है, अगर इस पॉइंट से कम ले आए, किसी भी पॉइंट कहीं पर नीचे ले आते हैं, अगर हम नीचे ले आएंगे यानी स्पीशीज टू का कॉम्पिटेटिव इफेक्ट कम कर दें, तो स्पीशीज वन की संख्या इंक्रीज करेगी कि डिक्रीज करेगी, अगर स्पीशीज टू का कॉम्पिटेटिव इफेक्ट स्पीशीज वन पे कम कर दें तो स्पीशीज वन की संख्या इंक्रीज करेगी, बिल्कुल सही बताया आपने आयुषी। तो देखिए स्पीशीज वन को हमने एक्स एक्सिस पे शो किया हुआ है, ठीक है, तो एक्स एक्सिस के रेफरेंस में ये वाले एरो इधर की ओर जा रहे हैं, सबको दिखाई दे रहा है, ठीक है। और जब एरो इधर की ओर जा रहे हैं, स्पीशीज वन की संख्या इंक्रीज कर रही है, तो डीएन वन अपॉन डी टी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, यस या नो, बताते जाओ भाई, 11 लोग हैं क्लास में,
है, थोड़े से कॉम्प्लेक्स चीज है ना, तो अगर आप यस नो में बताओगे तो मुझे समझ में आएगा, नहीं फिर मैं दोबारा एक्सप्लेन करूं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर संख्या इससे कम कर रहे हैं, एन टू की संख्या कम कर रहे हैं, तो एन वन पे कॉम्पिटिटिव इफेक्ट कम होने की, एन वन की संख्या इंक्रीज कर, इसलिए वेक्टर राइट की ओर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरा, इस पूरे एरिया में चूंकि इस पॉइंट के नीचे है, इस पूरे एरिया में dn1 अपॉन dt की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है। अब संख्या इससे ज्यादा कर दें, इससे ज्यादा कर दें, और ज्यादा करेंगे तो स्पीशीज टू का कॉम्पिटिटिव इफेक्ट स्पीशीज वन पे इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से स्पीशीज वन की संख्या डिक्रीज करने लगेगी। स्पीशीज वन की संख्या डिक्रीज करने का मतलब जो ये वेक्टर्स हैं लेफ्ट की ओर मुंह करके बनेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस में हमने स्पीशीज वन को शो किया है। और स्पीशीज की संख्या अगर डिक्रीज हो रही, वन की संख्या, तो डीएन वन अपॉन डीटी विल बी लेस देन जीरो। क्लियर है इस वाले ग्राफ का हर पॉइंट? क्लियर है? अभी बनवाऊंगा भी मैं आपसे, ठीक है। इसी तरीके से, ठीक है, इसी तरीके से दूसरे वाले ग्राफ पे आ जाइए, ठीक है, इसी तरह से दूसरे वाले ग्राफ है। अब दूसरे वाले ग्राफ में स्पीशीज टू के आइसोक्लाइन शो कर रहे हैं, यानी स्पीशीज वन का वो संख्या जिसपे स्पीशीज टू की संख्या ना तो इंक्रीज करी ना डिक्रीज करी, यानी उसका ग्रोथ रेट जीरो है। तो इस पूरी लाइन पे स्पीशीज टू का ग्रोथ रेट जीरो है। अगर स्पीशीज वन को हम जीरो कर दें तो स्पीशीज टू अपनी कैरिंग कैपेसिटी के टू पे पहुंच जाएगी। इस पूरी लाइन पे जैसे जैसे आप स्पीशीज वन की संख्या बढ़ाओगे, इसकी कैरिंग कैपेसिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है, इसलिए आपको तिरछी लाइन दिखाई दे रही है। और जिस पॉइंट पे स्पीशीज टू जीरो है, स्पीशीज वन के टू अपॉन बीटा पहुंचेगा। ये पॉइंट मैं बाद में बताऊंगा, जैसे मैंने यहाँ वाला बोला था ये बाद में बताऊंगा, बाकी मैं पूरा ग्राफ एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब देखो इस पूरी लाइन पे स्पीशीज वन का कॉम्पिटिटिव इफेक्ट इतना है कि स्पीशीज टू का ग्रोथ रेट जीरो है। अगर हम स्पीशीज वन की संख्या डिक्रीज कर दें, स्पीशीज वन की संख्या डिक्रीज कर दें, इस एरिया में आ जाए, अगर स्पीशीज वन की संख्या डिक्रीज करेंगे तो स्पीशीज टू पे स्पीशीज वन का कॉम्पिटिटिव इफेक्ट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से स्पीशीज टू की संख्या इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, इंक्रीज करेगी। तो एरो देखिए, इस पूरे सेक्टर में एरो ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है, वेक्टर्स ऊपर की ओर जा रहे हैं। सब लोग सहमत हैं, दिखाई दे रहा है सबको, ठीक है। और चूंकि इंक्रीज कर रहा है तो डीएन टू अपॉन डीटी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है। इसी तरीके से अगर इस पॉइंट के इधर चले जाए, यानी स्पीशीज वन की संख्या इंक्रीज कर दें, स्पीशीज वन की संख्या इंक्रीज करेंगे तो स्पीशीज वन का कॉम्पिटिटिव इफेक्ट स्पीशीज टू पे इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से स्पीशीज टू की संख्या डिक्रीज करने लगेगी। स्पीशीज टू की संख्या अगर डिक्रीज करेगी तो एरो नीचे की ओर आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आपने स्पीशीज टू को वाई एक्सिस पे शो किया है, तो नीचे जाने पे वैल्यू डिक्रीज कर रही है, ठीक है। और जब वो डिक्रीज कर रहा है तो डीएन टू अपॉन डीटी लेस देन जीरो होगा। समझ में आया? क्योंकि वेक्टर्स भी इंपॉर्टेंट हैं, डीएन टू और जीरो की रिलेशनशिप भी इंपॉर्टेंट है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर समझ में आ गया, ध्यान से देख लो, 2 मिनट दे रहा हूं, स्लाइड चेंज कर दूंगा, ये दोनों ग्राफ आपको बना के दिखाने होंगे। हिमाशी, मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं बेटा, स्पीशीज टू जो है, ये जो ग्राफ टू है, स्पीशीज टू के आइसोक्लाइन को शो कर रहा है। स्पीशीज टू का आइसोक्लाइन का मतलब स्पीशीज टू का ग्रोथ रेट जीरो है। स्पीशीज टू का ग्रोथ रेट जीरो क्यों है? कि स्पीशीज वन का कॉम्पिटिटिव इफेक्ट इतना है, ठीक है। अगर इस ग्राफ में हम देखें, स्पीशीज वन की संख्या जीरो कर दें तो स्पीशीज टू अपनी कैरिंग कैपेसिटी के टू पे पहुंच जाएगी, और कैरिंग कैपेसिटी पे ग्रोथ रेट जीरो होता है, यानी ग्रोथ रेट जीरो होने का मतलब स्पीशीज टू का ग्रोथ रेट जीरो होने मतलब डीएन टू अपॉन डीटी की वैल्यू जीरो है। जैसे जैसे स्पीशीज वन का कॉम्पिटिटिव इफेक्ट बढ़ाओगे, के टू की संख्या डिक्रीज, नीचे आने पर डिक्रीज करी, तो आपको तिरछी लाइन दिखाई दे रही है। इस पूरी लाइन पे डीएन टू अपॉन डीटी की वैल्यू जीरो होगी। अगर इस पॉइंट से हम इधर की लेफ्ट की ओर आ जाए, यानी स्पीशीज वन की संख्या कम कर दें, स्पीशीज वन की संख्या अगर कम करेंगे हिमाश्री, तो स्पीशीज वन का कॉम्पिटिटिव इफेक्ट स्पीशीज टू पे कम हो जाएगा। अगर स्पीशीज टू पे कॉम्पिटिटिव इफेक्ट स्पीशीज वन का कम हो गया, तो स्पीशीज टू संख्या में इंक्रीज करने लगेगा। इंक्रीज करने का मतलब वाई एक्सिस के रेफरेंस पे इंक्रीज करने का मतलब एरो ऊपर की ओर जाएगा,
और इंक्रीज करने का मतलब dN2 अपॉन dt की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी। हिमाश्री इतनी बात समझ में आई बेटा? ठीक है, अब इधर वाले एरिया, अगर हम स्पीशीज वन की संख्या इंक्रीज कर दें, इस पॉइंट से इधर आ जाए, स्पीशीज वन की संख्या इंक्रीज करेंगे तो स्पीशीज वन का कॉम्पिटिटिव इफेक्ट बढ़ जाएगा स्पीशीज टू पे, जिसकी वजह से स्पीशीज टू की संख्या डिक्रीज करने लगेगी। तो एरो नीचे की ओर आ रहे हैं, स्पीशीज टू की संख्या डिक्रीज करिए, dN2 अपॉन dt की वैल्यू लेस देन जीरो है। अभी क्लियर है सबको? विष्णु, अंकिता, शाहीम, सबको क्लियर है? खदीजा, ठीक है, खदीजा चाय लेके बैठी है कि नहीं? लड़की चाय भाई लेके बैठी कि नहीं? कि नहीं नारी आज नहीं आई है? अच्छा, आज ग्राफ ग्राफ में बिजी रहोगे। हाँ, चाय भाई पी के बैठो, अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए ठीक है, तो आप लोग इस ग्राफ को एक बार फिर से देख लो, आंखों में बसा लो, मैं स्लाइड चेंज करूंगा, इस ग्राफ को बिना देखे आपको बना के मुझे भेजना है। ठीक है, यहाँ पे जो वॉच चल रही है उस पर 08 है, 08:22 सेकेंड्स, 09, एक मिनट दे रहा हूँ, 09:22 पे हटा दूंगा स्लाइड, उसके पहले बनाना नहीं शुरू करना, कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा, उसके पहले बनाना नहीं शुरू करना प्लीज। आराम से देख लो कहाँ पे क्या है, स्पीशीज वन का आइसोक्लाइन में स्पीशीज वन के वन पे पहुंचेगी और के टू के वन अपॉन अल्फा पे, स्पीशीज टू के आइसोक्लाइन में स्पीशीज टू के टू पे पहुंचेगी, स्पीशीज वन के टू अपॉन बीटा होगी। अच्छा, ये आइसोक्लाइन की लाइन वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेक्ट करी वहां पे क्या लिखा है दोनों केस में उस पर ध्यान दे लो, बाकी तो आप लॉजिक से कर लोगे, वेक्टर्स लॉजिक से कर सकते हो एक बार समझ गए तो। अरे यार उधर वाली घड़ी तो डिक्रीज कर रही है, तो उसमें तो 7:22 पे हटाना था मेरे को, है ना, मैं ध्यान नहीं दिया मैंने, इधर वाली इंक्रीज कर रही थी। मैं हटा रहा हूं स्लाइड, देख लिया सबने? यस या नो, हो गया ना सबका? ठीक है, प्लीज 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 कोई भी बच्चा चीटिंग नहीं करेगा। चलो बनाओ, बहुत केयरफुल होके बनाना और दिमाग लगा के बनाना, जैसे मैंने एक ही चीज बोली है ना, ऐसी सोच के कि क्या होगा वैसे करके बनाओ, और सब बनाना, वेक्टर्स भी बनाना, dN अपॉन dt की रिलेशनशिप भी बनाना। ठीक है, आधा अधूरा नहीं भेजना कोई।
ठीक है, फर्क लेस वाला डीएन वाला नहीं लिखा है आपने दोनों ही ग्राफ में, लेकिन ठीक है, सही है, ठीक है फर्क। शाहिन ये आइसोक्लाइन के ग्राफ से बेटा, ठीक है, अब ऐसे आप लिख सकते हो ये भी, यानी स्पीशीज वन आइसोक्लाइन, स्पीशीज टू आइसोक्लाइन ऐसे करके। ठीक है, आपका भी ठीक है बेटा। अंकिता सही है। ठीक है, और हिमाश्री, अच्छा लिखा है, मैंने ध्यान नहीं दिया क्या? लड़की वो ग्रेटर देन जीरो वाला देखो, दोनों में नहीं लिखा ना, तुमने इक्वल टू जीरो और लेस देन जीरो वाले लिखे हुए हैं ना। हिमाश्री आपका भी सही है बेटा। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। श्रेया, ठीक है, श्रेया आपका भी ठीक है बेटा। और कोई, विष्णु, विजो, आज का क्लास इंपॉर्टेंट था, आज कई लोग क्लास मिस कर रहे हैं। ठीक, मुझे लगता है जिनको भेजना था भेज चुके हैं, आगे बढ़ूं फिर? ठीक है, तो अभी हम लोगों ने आइसोक्लाइन की कॉन्सेप्ट सीखी, और हम आइसोक्लाइंस को आपस में मर्ज करते हैं, अगर हम दोनों स्पीशीज को एक साथ ग्रो करें तो क्या होगा। ठीक है, उसके पहले हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सिक्वेंट चेंजेस पहले करते हैं इक्वेशंस में। तो सपोज ये स्पीशीज वन का इक्वेशन था, अगर आपको याद हो, जो उन्होंने डिराइव किया था डी एन वन अपॉन डी के वन माइनस एन, ब्रैकेट रिमूव करने के बाद। और इस इक्वेशन को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है, डी एन वन अपॉन डी टी की तरफ अगर हम के वन और आर वन इधर इक्वल के इधर ले आए तो ये इक्वेशन बन गया, और इस इक्वेशन को अगर आल्फा के टर्म्स में लिखते तो ये बन जाता है। ठीक है, अब देखिए इस इक्वेशन में अगर हम आइसोक्लाइन की कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करें, तो आपने देखा आइसोक्लाइन पे अगर हम लोग स्पीशीज वन की बात कर रहे हैं, तो आइसोक्लाइन पे डीएन वन अपॉन डी टी की वैल्यू जीरो थी। ठीक है, तो अगर डीएन वन अपॉन डी टी की वैल्यू जीरो कर देते पूरा जीरो हो जाएगा। अल्फा, ठीक है विष्णु आपका भी ठीक है बेटा। चलिए अभी इधर ध्यान दीजिए, ठीक है, हम लोगों ने जो पहला इक्वेशन स्पीशीज वन का था उसको पहले इस तरह से लिखा, फिर अल्फा के टर्म्स में लिखा, फिर आइसोक्लाइन के फॉर्म में को मॉडिफाई कर रहे हैं। तो आइसोक्लाइन पे स्पीशीज वन के केस में डीएन वन अपॉन डी टी की वैल्यू जीरो थी, अगर ये जीरो होगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। तो इस केस में अल्फा का आपका इक्वेशन क्या बचा, अल्फा इज इक्वल टू के वन माइनस एन वन अपॉन एन टू, ये बना आपका। ठीक है, ये आपका आइसोक्लाइन के केस में बना। आइसोक्लाइन के केस में अगर आपसे के वन एन वन किसी की वैल्यू कैलकुलेट करें तो आप इस फॉर्मूले से सीधे कर सकते हो। अब देखिए आइसोक्लाइन के केस में अपर मोस्ट पॉइंट स्पीशीज वन के आइसोक्लाइन पर अगर आप ध्यान दीजिए, स्पीशीज वन के आइसोक्लाइन में यानी जहां पे एन वन जीरो हो जा रहा था, अगर आप याद करिए तो एन टू जो था वो हो गया था, अगर आपको याद हो तो मैं ग्राफ दिखाई दूं आपको, ये देखिए जहां पे एन वन जीरो हो रहा था एन टू कितना हो रहा था, के वन अपॉन अल्फा हो रहा था। आइए देखें कैसे हुआ, मैंने कहा बाद में बताऊंगा। तो इसको देखिए, अगर हम लोग इसमें एन वन जीरो करते हैं, एन वन जीरो कर दें तो अल्फा इज इक्वल टू के वन अपॉन एन टू बचा, और हम इसको एन टू के फॉर्म में लिखें तो एन टू इज इक्वल टू के वन अपॉन अल्फा। तो जब एन वन जीरो है
एन टू विल बी के वन अपॉन अल्फा। तो मिल गया उस ग्राफ का जो पॉइंट मिसिंग था, जो पॉइंट मिसिंग था वो मिल गया। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन इसी तरह स्पीशीज टू के लिए भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो स्पीशीज टू के लिए देखें, अगर तो स्पीशीज टू का आपका इक्वेशन ये था, बीटा के टर्म्स में ये बन के आया, ठीक है, आइसोक्लाइन वाले केस में। और हम लोअर मोस्ट पॉइंट पे देखें जहाँ एन टू जीरो हो रहा था, अगर एन टू को जीरो करें तो बीटा इज इक्वल टू के टू अपॉन एन वन बना। अगर हम इसको एन वन के टर्म्स में लिखें तो एन वन इज इक्वल टू के टू अपॉन बीटा। ठीक है, तो अब आइसोक्लाइन वाले ग्राफ की हर चीज एक्सप्लेन हो गई, जो दो पॉइंट मैंने छोड़े थे वो एक्सप्लेन हो गए कि जब एन टू जीरो हो रहा है तो एन वन के टू अपॉन बीटा हो रहा है आपका, और जब एन वन जीरो हो रहा है तो एन टू के वन अपॉन अल्फा हो रहा था। ठीक है, अब देखो हर स्पीशीज की कैरिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है ना, स्पीशीज वन की अलग होगी, स्पीशीज टू की अलग होगी। हम लोग क्या कर सकते हैं, लब्लोटका ने क्या करा, इनको यूटिलाइज किया इंटर स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक रिलेशनशिप को समझने के लिए। जैसे अभी आप देख रहे थे, हम लोगों ने क्या करा कि अल्फा को हम लोगों ने क्या माना था, कॉम्पिटिटिव कोएफिशिएंट ऑफ इफेक्ट ऑफ स्पीशीज टू ऑन स्पीशीज वन, एंड बीटा बात था इफेक्ट ऑफ स्पीशीज वन ऑन स्पीशीज टू। हम लोग इसको इस टर्म्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, के वन अपॉन के टू इक्वल टू अल्फा एंड के टू अपॉन के टू के वन इक्वल टू बीटा। ठीक है, तो के वन अपॉन के टू कैन बी यूज एज ए मेजर ऑफ इंटर स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन स्पीशीज वन एंड के टू अपॉन के वन कैन बी यूज एज इंटर स्पेसिफिक इफेक्ट ऑन स्पीशीज टू। उस केस में चूंकि अभी मैंने बोला कैरिंग कैपेसिटी आपकी अलग अलग होती है, तो आप ये रिलेशनशिप ले सकते हो, जब अल्फा विल बी इक्वल टू के वन अपॉन के टू, ठीक है, एन वन की जगह हमने के वन यूज कर लिया, और बीटा विल बी इक्वल टू के टू अपॉन के वन उसी तरीके से। अब ये रिलेशनशिप अल्फा के वन अपॉन के टू एंड बीटा एंड के टू की रिलेशनशिप, ये डिफर करेगी अलग अलग स्पीशीज में बेस्ड ऑन कितना कॉम्पिटिशन हो रहा है, कैसा कॉम्पिटिशन हो रहा है, और वो रिलेशनशिप डिटरमाइन करेगी चार पॉसिबल आउटकम्स। व्हाट आर दोज आउटकम्स, पहला हो क्या हो सकता है कि स्पीशीज टू एलिमिनेट हो जाए, स्पीशीज टू एलिमिनेट होने का मतलब स्पीशीज वन बिकम्स द विक्टर, वो विक्टर वो जीत गई। ठीक है, दूसरी सिचुएशन हो सकती है स्पीशीज वन इज एलिमिनेटेड, मतलब स्पीशीज वन टू बिकम्स विक्टर। तीसरा क्या हो सकता है, इधर स्पीशीज वन और स्पीशीज टू इज एलिमिनेटेड डिपेंडिंग अपॉन इनिशियल डेंसिटी, मतलब स्पीशीज वन की डेंसिटी शुरुआत की ज्यादा है तो स्पीशीज वन कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंचे, स्पीशीज टू एलिमिनेट हो जाएगी, और वैसे वर्षा कर दें कि अगर स्पीशीज टू की संख्या ज्यादा है, स्पीशीज टू कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच जाएगी, स्पीशीज वन एक्सटिंक्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट, मतलब पॉइंट ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा। और नेक्स्ट तरीका हो सकता है व्हेन बोथ स्पीशीज कोएग्जिस्ट, जब हम लोग अभी हैबिटेट एंड नेच वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां आप एक कॉन्सेप्ट देखेंगे, गॉसियन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, सबने सुना हुआ है ना। गॉसियन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है कि टू परफेक्ट कॉम्पिटिटर्स कैन नॉट कोएग्जिस्ट। ठीक है, इवन हचिंसन ने जब शुरुआत में कॉन्सेप्ट प्रपोज करी तो उन्होंने भी बोला था कि इफ देयर इज अ कंपटीशन फॉर सेम रिसोर्सेज, टू इंडिविजुअल्स आर यूटिलाइजिंग सिमिलर रिसोर्स, देन वन ऑफ देम विल बी एलिमिनेटेड, दे कैन नॉट कोएग्जिस्ट। बट लेटर ऑन स्टडीज रिवील्ड दैट डिस्पाइट हैविंग सेम निचेस, डिस्पाइट हैविंग स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन अमंग्स देम, स्पीशीज कैन कोएग्जिस्ट। तो वो किन कंडीशंस में कोएग्जिस्ट करने से, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो गया, रिसोर्स पार्टिशनिंग हो गया, वो मैं बाद में उस चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अभी हम लोग लोटका के कॉन्सेप्ट के थ्रू समझने की कोशिश करें चार कंडीशंस कैसे हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहला सिनेरियो देखते हैं। पहला सिनेरियो क्या है, जब स्पीशीज टू एलिमिनेट हो रही है उस केस में ये रिलेशनशिप होगी, व्हेन अल्फा इज लेस देन के वन अपॉन के टू एंड बीटा इज ग्रेटर देन के टू अपॉन के वन। अब देखिए, अगर आपको ये रिलेशनशिप दी गई है या ये दिया गया है या ये दिया गया है, आप इससे ये रिलेशनशिप निकाल सकते हो, इस ग्राफ से ये बता सकते हो, इससे ये ग्राफ बना सकते हो, इससे ये ग्राफ बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, इस लेवल पे आपको पहुंचना है। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको ये रिलेशनशिप दी गई है कि अल्फा इज लेस देन के वन अपॉन के टू एंड बीटा इज ग्रेटर देन के टू अपॉन के वन, तो पहले तो आप इसको क्या करो, के वन और के टू के टर्म्स में लिख लो। तो हम इसको के टू के टर्म्स में लिखें तो ये आपका हो गया के टू ठीक है, यानी के टू अगर हम लोग अपना
इस इक्वेशन में देखो तो के टू इज लेस देन के वन अपॉन अल्फा, ठीक है, तो यानी के वन अपॉन अल्फा ज्यादा है और के वन और के टू वाई एक्सिस पे आ रहे थे, तो हमने के वन अपॉन अल्फा को यहाँ पे रख दिया और के टू को यहाँ पे रख दिया, ठीक है। ठीक इसी तरह इस बेसिस पे के वन इज ग्रेटर देन के टू अपॉन बीटा, ठीक है, तो के वन ग्रेटर है तो के वन के टू बीटा एक्स एक्सिस पे, तो के टू को आगे रखा, के टू बीटा को पीछे रखा और रिस्पेक्टिव लाइंस को आपस में मिला दिया, है ना, के टू बीटा लाइन आपस में मिली थी, के वन अल्फा के वन लाइन आपस में मिल रही थी, लाइन्स को मिला दिया। अब अगर आप इस ग्राफ में ध्यान दें तो कौन सी स्पीशीज अपनी कैरिंग कैपेसिटी पर पहुंची है, स्पीशीज वन या स्पीशीज टू, कौन सी स्पीशीज अपनी कैरिंग कैपेसिटी पहुंच रही है? अगर इस ग्राफ में आप ध्यान दें तो स्पीशीज वन अपनी कैरिंग कैपेसिटी पर पहुंच जा रही है, और अगर स्पीशीज वन कैरिंग कैपेसिटी पर पहुंच गई तो स्पीशीज टू की संख्या क्या होगी, जीरो, ठीक है। तो इस केस में स्पीशीज टू क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई, यहाँ देखिए इसलिए जीरो से, तो यहाँ पे के टू कम है के वन अल्फा से, लेकिन यहाँ पे के वन गिरे तो के वन पे पहुंच गए, स्पीशीज वन अपनी कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच गई, और स्पीशीज वन कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंची तो उसका मतलब हुआ स्पीशीज टू एलिमिनेट हो गई, तो अगर एक कैरिंग कैपेसिटी तो दूसरी एलिमिनेट हो जाएगी, है ना, वो तो पहले आइसोक्लाइन में आपको समझा दिया था। ये बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई सबको, ठीक है। आप देखो और चीज समझने की कोशिश करो, आपने वेक्टर्स सीख लिए थे अभी, आपने आइसोक्लाइन में वेक्टर्स बनाए थे, ठीक, अब उस पर ध्यान देते हैं। ध्यान करिए के टू बीटा लाइन की अगर हम लोग पहले बात करें तो के टू बीटा लाइन के लेफ्ट में वेक्टर ऊपर की ओर जा रहा था, अभी बता रहा हूं आयुषी, एक एक यहां पे देखो आयुषी, ये कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच गया ना, ये वाला नहीं पहुंच पाया, ये पहुंच गया, और अगर ये कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंचा तो स्पीशीज टू का क्या हुआ, कोई भी स्पीशीज अगर कैरिंग कैपेसिटी पहुंची तो दूसरी वाली जीरो हो जाएगी। आयुषी समझ में आ रहा है, ठीक है, अभी जो और नेक्स्ट पॉइंट दे रहा हूं उस पर ध्यान दो। के टू बीटा लाइन के लेफ्ट में आइसोक्लाइन वाला डायग्राम आपने अभी बनाया, सबको याद होगा, के टू बीटा लाइन के लेफ्ट में एरो ऊपर की ओर जा रहा था, याद है सबको, ठीक है, और के टू बीटा लाइन के राइट में एरो नीचे की ओर आ रहे थे, सबको याद होना चाहिए, अभी आपने बना के भेजा हुआ है, ठीक है। तो एरो ऊपर या नीचे जा रहा है इस वाले केस में हमने उसको के टू बीटा लाइन के रेफरेंस में पता किया, ठीक है, के टू बीटा लाइन के लेफ्ट में तो ऊपर की ओर, राइट में है तो नीचे की ओर, ठीक है। अच्छा अब दूसरा वाला ग्राफ देख लेते हैं, दूसरा वाला एरो, अगर के वन अल्फा लाइन ले लें तो के वन अल्फा लाइन के लेफ्ट में एरो लेफ्ट की ओर जा रहा था, याद है सबको, अपना आइसोक्लाइन का डायग्राम देख लिए, के वन अल्फा लाइन के लेफ्ट में राइट की ओर जा रहा था, तो राइट की ओर बनाया, यहां पे इधर भी राइट की ओर बनाया, ठीक है, और इस लाइन के राइट में लेफ्ट की ओर जा रहा था, ठीक है। तो इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा, इस वाले केस में रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा, और इस केस में रिजल्टेंट वेक्टर ये होगा, सबको समझ में आ रहा है, यानी कि अगर स्पीशीज यहां पे है तो इंक्रीज करके यहां पे जाएगी, यहां पहुंचेगी तो यहां पे आ जाएगी, इधर है तो पहले यहां पे आएगी फिर यहां चली जाएगी, स्पीशीज विल ट्राई टू रीच के वन एंड द पॉइंट एट विच स्पीशीज वन रीचेस के वन स्पीशीज टू विल बी जीरो, विल बी इलिमिनेटेड, ठीक है। नेक्स्ट अब आप सोच के जवाब देना, अच्छा आप लोगों को जवाब देना है, इनका मैं नाम कर दे रहा हूं, ए बी एंड सी, बी वाले सेक्टर में डीएन वन अपॉन डी टू क्या है, डीएन वन अपॉन डी टी जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, लेस देन जीरो है, बी वाले सेक्टर में डीएन वन अपॉन डी टी पूछा मैंने, ध्यान दीजिएगा, जो पूछा उसी का जवाब देना,
dn1 upon dt इस वाले सेक्टर में क्या होगा, लेस देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो? ये K1 अल्फा K1 लाइन के लेफ्ट में है, dn1 अपॉन dt पूछा है, तो dn1 अपॉन dt को आप K1 अल्फा K1 लाइन के रेफरेंस में देखोगे, तो ये वाला सेक्टर जो है K1 अल्फा K1 लाइन के लेफ्ट में है। अगर K1 अल्फा K1 लाइन के लेफ्ट में है तो dn1 अपॉन dt की वैल्यू क्या होगी? और लोग भी जवाब दो। हाँ शाहिम बेटा, ग्रेटर देन जीरो होगा, ठीक है, कोई नहीं होगा, गलती करी, अब आगे कभी गलती नहीं होगी आपसे, ठीक है, सब लोग एग्री कर रहे हैं। चलो इसी वाले सेक्टर में dn2 अपॉन dt की वैल्यू क्या होगी, dn2 अपॉन dt की वैल्यू क्या होगी? सबके आंसर सही है, अभी सबके आंसर सही आए, ठीक है। अब एक बात बताओ, इस वाले ग्राफ में कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझ में आया? क्यों भाई, इस आपने देखा कि इस रिलेशनशिप से मैंने एक ग्राफ बनाया है ना, अल्फा की वैल्यू K1 अपॉन K2 से कम थी तो हमने K2 के रेफरेंस में लिखा, हमें K2 और K2 K1 अल्फा की पोजीशंस पता चल गई, कौन ग्रेटर है कौन स्मॉल, उसके हिसाब से हमने सिचुएट करा, रिस्पेक्टिव लाइंस को मिला दिया। उसके बाद हम चाहें तो वेक्टर पता कर सकते हैं, हम चाहें तो dn अपॉन dt की रिलेशनशिप पता कर सकते हैं, और इस ओवरऑल ग्राफ को देख के हमें यह भी पता चला है कि k1 कैरी अगर जो ज्यादा होगा संख्या में है ना, कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है k2 अपॉन, तो ये कैरिंग कैपेसिटी, अगर n1 k1 पे पहुंच गया तो बाई डिफॉल्ट आपको अंडरस्टूड है कि अगर n1 कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंचा तो n2 जीरो हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, अगर मैं इस टाइप की दूसरी रिलेशनशिप दे दूं और आपसे कहूं ग्राफ बनाओ, वेक्टर्स बनाओ, तो बना लोगे आप लोग? और बताओ क्या हो रहा है, प्रिडिक्शंस करो कि क्या होने जा रहा है, कर लेंगे सब लोग, ट्राई करना चाहेंगे आप लोग? मैं सिर्फ कंडीशन दूंगा आपको, हाँ या ना बोलो, ट्राई करना चाहोगे? गलत होगा तो होगा, कोई बात थोड़ी, ट्राई करने में क्या जाता है, ठीक है। तो मैं आपको कंडीशन दे रहा हूं, व्हाइट बोर्ड पे देता हूं, कंडीशन दे रहा हूं, अल्फा इज, आप लोग ठीक है बनाइए ग्राफ, ठीक है, जैसे मैंने स्टेप्स फॉलो करी थी वैसे करना, तो हो जाएगा, करिए।
शाबाश हिमाश्री। ऑलमोस्ट सभी लोग सही लिख रहे हैं। आयुषी, आपने एक्स एक्सिस पे क्या लिखा है यार? वो दिख नहीं रहा है। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक। हाँ ठीक है ठीक। वो हल्का है, दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है। ठीक है, आपका भी सही है। यानी कोई भी कैरिंग कैपेसिटी पे नहीं पहुंच रहा है ना, यही आप बता रहे हो ना। अंकिता, आपका भी ठीक है। हिमाश्री तो सबसे पहले भेजी थी, उसका सही है। और लोग भी भेजो भाई, ट्राई करो ट्राई करो। हाँ श्रेय, आपका भी ठीक है। आयुषी, अगर आप देखो इस वाले केस में तो K2 की वैल्यू कम है, K1 अल्फा की वैल्यू ज्यादा है। इस वाले केस में K1 की वैल्यू ज्यादा, K2 बीटा की कम है। ठीक है ठीक है। तो अगर आप देखो K1 ज्यादा है या K2 इससे कम है, तो K2 नहीं पहुंच पा रहा, K2 की वैल्यू ग्रेटर नहीं हो पा रही है, K1 की हो रही है। यानी कि स्पीशीज 1 K1 पे पहुंच रही है, और स्पीशीज 1 अगर K1 पे पहुंच गई तो 2 अपने आप 0 हो रही है। ठीक है, जैसे अभी जो मैंने आपको ग्राफ दिया, वो मैंने जानबूझ के सेकेंड वाला नहीं दिया था, कि मैं नहीं चाहता था कोई तुक्का मारे। अब जैसे सेकेंड सिनेरियो ले लेते हैं, या जो अभी आप लोगों ने किया। इस वाले केस में देखें, अब देखिए इसमें कोई भी कैरिंग कैपेसिटी की वैल्यू रिस्पेक्ट टू K1 अल्फा K2 बीटा से कम है, तो इनमें से कोई भी अपनी कैरिंग कैपेसिटी पर नहीं पहुंच रही, ना K2 पहुंच रही ना K1 पहुंच रही। आयुषी ठीक है, अगर ये इधर ये ज्यादा होती तो पहुंचता, ये K2 बीटा और K1 अल्फा से K2 और K1 की वैल्यूज रिस्पेक्टिव वैल्यूज कम है, तो नन ऑफ देम इज रीचिंग देयर कैरिंग कैपेसिटी। अगर कोई भी स्पीशीज कैरिंग कैपेसिटी पर नहीं पहुंची, इसका मतलब कोई भी एलिमिनेट नहीं हो रही है। कोई भी एलिमिनेट ना होने का मतलब दोनों स्पीशीज सरवाइव करी, तो इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो मतलब अगर जिस एक्सिस पे, उस एक्सिस पे अगर K1 ज्यादा या K2 ज्यादा है, तो दैट विल डिसाइड कि कौन अपनी कैरिंग कैप। जैसे तीसरे सिनेरियो पे अगर आप ध्यान दें, इस वाले पे ध्यान दें, इस वाले में क्या देखिए, कोई भी पहुंच सकती, ये भी पहुंच सकती कैरिंग कैपेसिटी, ये भी पहुंच सकती। हाँ, K1 K2 की वैल्यू ज्यादा होना ही डिसाइड करेगा, बिल्कुल। अब जैसे इस वाले केस में अगर आप देखो, K1 भी पहुंच सकता है K2 भी पहुंच सकता है। अगर K1 पहुंच गया तो K2 जीरो, K2 पहुंच गया तो K1 जीरो होगा। इसीलिए इनिशियल डेंसिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट कहला रहा है। ठीक है, तो अब देखिए ऐसी पहले वाले ग्राफ पे आ जाए, सेकंड वाले पे जो भी आपने नहीं किया, तो आप कोई भी ग्राफ आप बना सकते हो। अगर अच्छा मान लो ये रिलेशनशिप ना दें, इसको देख के आप ये रिलेशनशिप बता सकते हो। सब लोग ध्यान दो, यहां क्या दिखाई दे रहा है, K2 अपॉन बीटा इज ग्रेटर देन K1। ठीक है, यानी कि दिखाई दे रहा है K2 अपॉन बीटा इज ग्रेटर देन K1, या K2 अपॉन K1 इज ग्रेटर देन बीटा, तो ये रिलेशनशिप आ गई। और ऐसे ही इसको देख के ये बता सकते हो, हाँ या ना। ठीक है, हो जाएगा। और जो जो क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया, जो ग्राफ अभी आपने बनाया, और उस ग्राफ में
जैसे यहाँ पे थोड़ा सा होता है, बच्चे गड़बड़ करते हैं। अगर मैं पूछ लूँ कि इसमें से किस सेक्टर में, मान लो इनके नाम मैं दे दे रहा हूँ, ए ठीक है, मैं कंडीशन क्या रख रहा हूँ, पहले मैं खुद सोच लूँ मैं क्या पूछने जा रहा हूँ। या ऐसे करके ऐसे ही मैं पूछ लूँ, इस वाले सेक्टर में, इस सेक्टर में, डी सेक्टर में dn1/dt की वैल्यू क्या है, dn1/dt की वैल्यू क्या है। बताओ डी सेक्टर में dn1/dt की वैल्यू क्या है। ज्यादा टाइम ले रहे हो तुम लोग। dn1/dt की वैल्यू हम पता करते हैं k1 अल्फा k1 लाइन से। बस देख लो कि ये वाला सेक्टर k1 अल्फा k1 लाइन के किधर आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, लेफ्ट में आ रहा है, ग्रेटर देन जीरो होगा। अच्छा, हम लोग आइसोक्लाइन लाइन से पता कर रहे हैं। अब इसी वाले सेक्टर में अगर आपसे मैं dn2/dt की वैल्यू पूछे तो वो क्या होगा। इसी सेक्टर में dn2/dt की वैल्यू पूछे तो क्या होगा। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो, क्यों, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब एक और सिनेरियो ले लेते हैं, एक और सिनेरियो ले लेते हैं जहां पे थोड़ा डिस्क्रिपेंसी आएगी। इस वाले सेक्टर में dn2/dt की वैल्यू क्या है। इस वाले सेक्टर, ए सेक्टर में dn2/dt की वैल्यू क्या है। और लोग भी बताओ। इतने आलसी लोग हैं, टाइप ही नहीं करना चाहते। और गुड, ठीक है, और इसी सेक्टर में dn1/dt की वैल्यू क्या होगी। इसी वाले सेक्टर में dn1/dt की वैल्यू, बिल्कुल ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स क्योंकि आपके यहाँ बहुत ज्यादा आते नहीं है तो पूछेंगे नहीं, इसमें बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। सीएसआर के बच्चों को घर आते हैं, आपको क्या करना है, बस आपको ग्राफ वाला पूरा सिखा दिया, आइसोक्लाइन वाला सिखा दिया है, ठीक है, मेन कॉन्सेप्ट बता दिए, इक्वेशंस बता दिए हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, केमिस्ट्री ठीक है बेटा, ठीक है, फिर यहीं पे रोकेंगे। अच्छा, अभी आज हैबिटेट टीच अभी स्टार्ट नहीं करेंगे, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। और मैंने बोला था मैं आपको पॉपुलेशन इकोलॉजी के न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, आप लोग अपने आप सॉल्व करके देखना, है ना। बाकी कल फिर देखते हैं, कल न्यूमेरिकल्स करा लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे हैबिटेट टीच। ठीक है, क्लास यहीं पर रोकेंगे, और ये ग्राफ की प्रैक्टिस कर लेना, आपके यहाँ आते नहीं है लेकिन आपको जानना चाहिए। अच्छा, और एक्चुअली में पूछना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं पूछते हैं। ठीक है, और एक चीज और जो मैंने आप लोगों से बोली थी बच्चों, मैंने आपसे सबसे बोला था कि कोई भी बुक अगर आपके पास इकोलॉजी की है, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी की बुक, उससे लोगों की बात हुई थी, तो आप लोग प्लीज बायोटिक एबायोटिक फैक्टर वाले जो चैप्टर्स हैं, ठीक है ना, उसको प्लीज पढ़ लीजिएगा। विष्णु बहुत कुछ नया सिखाएंगे बेटा, है ना, तभी तो आपने ज्वाइन भी किया मुझे, है ना, हम लोग बहुत कुछ नया सीखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि इतना सिंपल करके सिखाऊं कि आप लोग कॉन्फिडेंट रहें उसको लेके। हाँ, जो मैं कह रहा था, प्लीज सभी लोग कोई भी बुक आपके पास हो इकोलॉजी की, जो बायोटिक एबायोटिक फैक्टर इस टाइप की जो छोटी छोटी सी कॉन्सेप्ट है उसको रीड कर लेना, है ना, मतलब आप इन चीजों से मुझे फ्री करो कि मुझे ये भी पढ़ाना पड़े। आप सब पोस्ट ग्रेजुएट हो, शोभा नहीं देगा कि मैं आपको वो भी पढ़ाऊं,
ठीक है, तो प्लीज उसको जरूर कर लेना, मतलब मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको करेंगे नहीं। अच्छा, उससे सिंपल सा क्वेश्चन आ जाए। अब जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, जरा सोच के जवाब देना, वैसे मुझे उम्मीद कम है आप में से कोई भी बताने वाला है, एक्सेप्ट जो मुझसे पढ़ चुके हैं उनको शायद आइडिया होगा कि मैं पूछता हूँ उस क्वेश्चन को। डेफनिया में एक प्रोसेस एक पाई जाती है जिसको बोलते हैं साइक्लोमॉर्फोसिस, वो किस एबायोटिक फैक्टर के रेफरेंस में होती है, किसकी वजह से होती है साइक्लोमॉर्फोसिस? पहले आप जानते हैं साइक्लोमॉर्फोसिस क्या होता है? भैया अभी गुड नाइट नहीं हुआ, जवाब दे दो मेरी बात का। कोई ना देगा। क्वेश्चन था बेटा मेरा डेफनिया में, अभी डेफनिया की बात की, रोटीफर्स डेफनिया की बात की, डेफनिया में एक प्रोसेस होती है, फिनोमिनन होता है जिसको बोलते हैं साइक्लोमॉर्फोसिस, वो किस एबायोटिक फैक्टर की, किस एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है, क्यों रिस्पॉन्स में होता है? लाइट, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, सेलिनिटी। तुक्का मारना चाहोगे? आई होप कोई गूगलिंग नहीं कर रहा है। यस विष्णु, इट इज टेम्परेचर। इन रेफरेंस टू टेम्परेचर उसका हेलमेट का शेप चेंज होता है। ठीक है, पढ़ना सब लोग। ठीक है, हिला दिया, डिसइक्विलिब्रियम क्रिएट कर दिया आपके अंदर, आप ढूंढना बैठ के। ठीक है, जानबूझ के यूनिक सी चीज पूछी, आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए फिर आज का क्लास यहीं रोकते हैं, कल कंटिन्यू, कल हैबिटेट नीच, और उसके पहले हम लोग पॉपुलेशन इकोलॉजी के जो न्यूमेरिकल्स जो भी आए हैं आपके यूजीसी एग्जाम में उनको सबको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट।